नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस जेली के इंटरफेस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 27 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट, जो कि मैं डेली करता हूं, कि पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज 27 अगस्त है और आप सभी लोगों ने जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया होगा। श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो क्या हैं? त्याग और समर्पण के जो है ईश्वर कहे जाते हैं, भगवान कहे जाते हैं, योगी हैं वो अपने आप में, और वो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आप लोगों ने जन्माष्टमी में व्रत भी रखा होगा, फास्ट रखा होगा, और सिर्फ पूजा करना है उनकी जो है क्या है समझदारी नहीं है, बल्कि हमें उनके गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना कि श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं, हमें लड़ना सिखाते हैं, हमें संघर्षों से जो है जूझना सिखाते हैं। और आपको पता होगा कि कुरुक्षेत्र में जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को किस प्रकार से उपदेश दिया था। गीता को अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़िएगा, और गीता के जो बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं उनको जानने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सिर्फ कृष्ण से जो है ये मत जो है सीखिएगा कि सिर्फ वो सिर्फ क्या करते थे, वो जो है क्या कहते हैं राधा जी के पीछे ही रहते थे, या जो आप लोग चीजों को कहते हो वो एक उसके अलग एक फैक्टर है, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है कि श्री कृष्ण से हमें ये सीखना है कि हमें युद्ध करना है। किसके विरुद्ध? अपने संघर्षों के विरुद्ध। जिस प्रकार से अर्जुन ने पाप के खिलाफ जो है अपना जो है धनुष उठाया था, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने संघर्षों के खिलाफ, अपने संघर्षों के अगेंस्ट में अपना जो है अस्त्र शस्त्र उठाना है, अपना गांडीव उठाना है और लड़ना है। आपको अपने असफलताओं से आपको लड़ना है, अपने मुश्किलों से आपको लड़ना है, अपने स्ट्रगल से, और जीत हासिल करनी है। जिस तरीके से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में जीत हासिल की थी, ठीक है, उसी प्रकार से आपको जो है हासिल करनी है जीत। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको जाननी है, सीखनी है। और किसी भी धर्म की बात हो, हर धर्म हमें स्ट्रगल करना सिखाता है, हर धर्म हमें ईश्वर से जोड़ता है, गॉड से जोड़ता है, अल्लाह से जोड़ता है, और ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम सही मार्ग पर चलें और अपनी सफलताओं से समाज और देश को कुछ नई जो है उम्मीद दें, कुछ नए जो है प्रगति के राह जो है उन्मुख करवाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस इतना मेरा कहने का सेंस था कि जब भी कोई फेस्टिवल हो तो उससे आप कुछ सीखिए, सिर्फ और सिर्फ ढोल नगाड़े बजा करके उससे निकलिए मत। ठीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति के जो त्यौहार हैं उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, उनसे सीखिए, मनोरंजन करके छोड़ मत दीजिए उन त्यौहारों को। चाहे किसी महापुरुष की जयंती हो, उनके बारे में पढ़िए, उनसे सीखिए दो बातें, चाहे किसी भगवान का कोई दिन हो, अल्लाह का कोई दिन हो, उनसे कुछ सीखिए और उनकी चीज़ों को आत्मसात करिए। निश्चित तौर पर आपके अंदर अच्छे वैल्यूज यानी कि अच्छे मूल्यों का विकास होगा, और अगर अच्छे मूल्यों का विकास होगा तो निश्चित रूप से आप एक सभ्य इंसान बनेंगे और देश और समाज के लिए बेहतर कार्य कर पाएंगे। चलिए आइए हम लोग फटाफट रिविजन करते हैं। ठीक है, तो भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमने आपसे कल पूछा था, आप लोगों ने सही उत्तर दिया, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो ये 23 अगस्त को दरअसल भारत द्वारा पहला प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इसके अलावा हाल ही में किसे गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन जी को जो है नियुक्त किया गया। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है, और यूक्रेन के बारे में हमने कल आपको कुछ एक फैक्ट आपको नोट करवाए थे। इसके अलावा हाल ही में किसे प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है? तो वह है गोविंद राजन पद्मनाभन, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया है दरअसल विधानसभा में? तो वह राज्य कौन सा है? वह है आपका असम। इसके अलावा हाल ही में किसे अगले पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन से व्यक्ति हैं? तो वो हैं आपके सत्यप्रकाश सांगवान। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होता है भाई साहब, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया, वह संबंधित थे, वो किससे संबंधित थे? तो वो थे आपके पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2015
15 में इसको लॉन्च किया गया था, यह बिंदु आपको याद रखना है। और इसमें आपकी 28-29 के लिए क्या की गई है, बढ़ोतरी कर दी है प्रधानमंत्री शहरी योजना 2.0 के नाम से। ओके, चलिए आइए हम लोग अब जो है आज के वीडियो पर आते हैं। उसके पहले दरअसल कल के प्रश्न का उत्तर है जो कि आपको देना था, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को, जो कि क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आज के यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो कि 27 के करंट अफेयर्स हमारे पास हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या है भाई साहब, पहला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित कुल कितनी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 156 दवाएं, 158, 160, 162, तो वो है आपकी 156 मेडिसिन पर क्या किया है भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। एक दिन मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हार्मफुल हैं, एलोपैथी में बहुत प्रकार की मेडिसिन हैं जिन पर अभी भी जो है उनको बैन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपके ह्यूमन बॉडी को क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल आपकी बॉडी के लिए होती हैं। और जो भी पेन किलर होती हैं दरअसल ये बहुत हार्मफुल होती हैं आपके लिए। तो जब भी हेडेक हो आपके या कुछ नॉर्मल पेन हो तो कोशिश किया करिए कि बाम लगा लीजिए, ऑयल से मालिश कर लीजिए, लेकिन मेडिसिन से, इन प्रकार की मेडिसिन से बचिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके फायदे से कहीं गुना ज्यादा आपको नुकसान करती हैं। जितने भी पेन किलर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो आपके किडनी को आपको जो क्या करती हैं, इंपैक्ट करती हैं, कैंसर कॉजेस भी कई कई मेडिसिन हो जाती हैं कई बार। ऐसे में इन मेडिसिन से बचना चाहिए, और अगर आप एलोपैथ से अडॉप्ट हो गए अपने आप में तो ध्यान रखिएगा कि मेडिसिन से अगर आप अडॉप्ट हो गए तो एक तरीके से फिर उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कोशिश करिए आयुर्वेद को शामिल करिए, कोशिश करिए कि पुनः से आप योग और प्राणायाम की ओर जाइए, तभी आपका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा। एक लाइन जो है कही जाती है, एक सॉन्ग है एक अच्छा सा, कि एलोपैथी लूटपैथी, ठीक है, अनजान हम इसे जहर की तरीके से पिए जा रहे हैं, एलोपैथी लूटपैथी, एक सॉन्ग जो है बनाया गया बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो अपने आप में मेडिसिन की कॉस्ट जो होती है इसकी, वो भी बहुत हाई होती है, ठीक है। एक सिंपल सी मेडिसिन जो होती है उसकी जो बनाने की जो कॉस्ट होती है वो कुछ पैसे में आती है, 10 पैसे 20 पैसे, 1 रुपए, बहुत महंगी मेडिसिन हो गई तो 1 रुपए, बहुत महंगी हो गई तो। लेकिन उसी 25 पैसे 10 पैसे की मेडिसिन जो बनाने में खर्चा आता है उसी को आपको 10 रुपया 5 रुपया 35 रुपया 36 रुपया, यानी कि ये जो इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री है अपने आप में बहुत बहुत ही खतरनाक तरीके से इसमें करप्शन ज्यादातर होता है। कई बार इस पर जो है रिपोर्टें भी आती रहती हैं, लेकिन बावजूद ये जो फार्मा इंडस्ट्री एलोपैथ वाली वो अपने आप में बहुत ही करप्शन से घिरी हुई है, और बड़े बड़े लोग शामिल हैं भाई साहब, आप बोलोगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सरकार इस पर कभी कभी चाबुक चलाती रहती है, जैसे अभी हाल ही में 156 मेडिसिन पर क्या करी है, रोक लगा दी गई है। ये आपके डोलो हो गई, पीसीएम हो गई, पेस्टामॉल हो गई, कई सारी और जो दर्द निवारक जो गोलियां होती हैं आपका क्या कहते हैं क्रोसिन वगैरह, ये सब हार्मफुल मेडिसिन होती हैं, मत लिया करिए, कम यूज किया करिए, ठीक है। खैर तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में सरकार ने एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित कुल 156 दवाओं पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। मल्टीविटामिन आप लोग बहुत खाते होंगे, वो बच्चे बहुत खाते हैं, वो स्टूडेंट्स बहुत खाते हैं जो आजकल मल्टीविटामिन कौन खाते हैं, वो भी खाते हैं जो आजकल जिम जाते हैं। एक बात मैं आपको यहां पर जिम को लेकर बता दूं, खासकर जिम जो करते हैं आप लोग वो दरअसल कोई आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जिम अगर आप ये सोचते हैं कि जिम से आप मजबूत आपकी बॉडी होती है, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। मेडिकल साइंस को पढ़िएगा कभी अच्छे तरीके से, आयुर्वेद को कभी पढ़िएगा, समझिएगा, जिम आपकी बॉडी को तोड़ देता है, आपकी मसल्स को ब्रेक कर देता है, ध्यान रखिएगा, फट जाते हैं आपके मसल्स। जिम बाहरी दिखावे के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए दरअसल जिम हम जो है फायदेमंद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिम की जगह पर आप योगिक जॉगिंग करिए, आप प्राणायाम करिए, अपनी बॉडी को नॉर्मली फिट रखिए भाई साहब, है ना। किसी को अट्रैक्ट करना है तो अलग बात है, किसी एकदम हट्टे कट्टे जा रहे को देख के आपको करे वाह यार क्या है, हैंडसम सा लड़का जा रहा है, अगर ये स्थिति है आपकी तो करिए जिम, नहीं तो जिम आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होती। इसके कई सारे पॉइंट्स होते हैं, यहां पर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको कुछ चीजें बताता। खैर ध्यान रखिएगा कि योग और प्राणायाम को फॉलो करिए, जिम से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, ज्यादा जो है हितकारी होगा आपके लिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम बहुत होगी, ठीक है। ये चीज मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो अच्छा जिम करते भी अगर हैं, नहीं मानेंगे मेरी बात, तो अगर जिम करते भी हैं तो नेचुरल फूड्स को लीजिए, प्रोटीनियस जो सब्सटेंस होते हैं आप उनको मत लीजिए, मल्टीविटामिन्स मत लीजिए, आप नेचुरल जो है खाइए पीजिए, उतना ही सही है, ठीक है। जो ये जिम ट्रेनर बताते हैं भाई साहब, दूर रहिए, हाथ जोड़ के विनती आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो विटामिन सहित 156 मेडिसिन्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि एक समीक्षा के बाद पाया गया कि इनसे स्वास्थ्य को खतरा है। आयुर्वेद में कितनी बार इसको बोला गया, अलग अलग लोगों ने बोला, पतंजलि योगपीठ ने भी इसके बारे में कई बार बोला, हालांकि वही चीज सामने आई, बट ध्यान रखिएगा कि ये मेडिसिन क्या होती है, हार्मफुल होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इन 156 दवाओं में निश्चित मात्रा में खुराक संयोजन तर्कहीन होता है, ठीक, सामने की बात। इसके अलावा सरकार और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि DTAB की एक जो है विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। और अगर जांच सही ढंग से होना भाई साहब, तो एलोपैथ की लगभग लगभग 80-90% दवाइयां बेकार मानी जाएंगी। बहुत कम मेडिसिन जो आपके लिए एसेंशियल होंगी, बाकी सब बेकार में रहती हैं, फर्जी रहती हैं, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इतना होता है कि हम खाते सही हो जाते हैं। बट आयुर्वेद को फॉलो करिएगा तो सही रहेगा। खैर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया कर लिया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, या अयोध्या हवाई अड्डा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अमौसी बी ऑप्शन, यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका दिल्ली में है, इसे ने जो है अभी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो है प्रमाणन इसको प्राप्त हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का खिताब इसने क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। और 14 अगस्त को यानी कि 14 अगस्त को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसको हम ACI भी बोलते हैं, के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन यानी कि ACA कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशंस एयरपोर्ट का दर्जा हासिल करने वाला दरअसल ये भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ऐसे में प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ओके नाउ नेक्स्ट, दरअसल इसका जो लक्ष्य था इसको प्राप्त करने का वो 2030 था, लेकिन प्रयासों के मद्देनजर जो है दरअसल इसको बहुत पहले ही क्या कर लिया गया, हासिल कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय दरअसल कहां पर अभी जो है स्थापित किया गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बी है आपका असम, सी है बिहार, या फिर हरियाणा, बताइए ये कहां पर इसका इसकी स्थापना की जा रही है। तो ये जो राज्य है वो है आपका कौन सा, हरियाणा, दिल्ली के बगल में जो है, ठीक है। चलिए तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा हरियाणा के बारे में। इसके अलावा इस संग्रहालय का नाम क्या है, नाम क्या है भाई साहब, तो संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय इसका क्या है नाम है। और इस संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्वतंत्रता के जो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का संबंध किन देशों से है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन ए भारत अमेरिका के मध्य का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, या अमेरिका दक्षिण कोरिया के मध्य का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, या अमेरिका और जापान के मध्य का, या फिर चीन और पाकिस्तान के मध्य का। तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये बेसिकली अमेरिका और साउथ कोरिया अर्थात दक्षिण कोरिया के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आपका है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, ये बेसिकली क्यों आयोजित किया जा रहा है, तो ये उत्तर कोरिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, उसकी परमाणु शक्ति के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, साथ ही साथ में साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा इसको, ठीक। तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बताया कि संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका दक्षिण कोरिया के मध्य शुरू किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य साइबर सुरक्षा और उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु शक्ति के संदर्भ में शुरू किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य अपनी संयुक्त रक्षा क्षमताओं को क्या करना है, मजबूत करना है, और उत्तर कोरिया से खतरों को रोकना है। आपको पता होगा कि तनातनी जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बनी रहती है, और उस प्रकार जिस प्रकार से जो वहां के नेता लोग हैं और किस तरीके से वहां की नीतियां हैं आप लोग को पता होगा। कई बार आज के 2-3 साल पहले उत्तर कोरिया अपने चर्चाओं में रहा,
था, ठीक है, जो भी वहां के वो हैं। तो इन खतरों को जो है रोकने के लिए ही यह संयुक्त अभ्यास दरअसल आयोजित किया गया है। इसके अलावा 19वें CII भारत व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो भारत में या चीन में या रूस में या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत में इसका आयोजन किया गया। और भारत में कहां पर, भारत में दरअसल यह किया गया आयोजन इसका न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में दरअसल इसका आयोजन किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं फटाफट। 19वें संस्करण याद रखिएगा, कई बार संस्करण आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो 19वां संस्करण है ये, 19वें CII भारत व्यापार सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। और भारत में कहां पर भाई साहब, भारत में नई दिल्ली में, यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा थीम की बात करते हैं, तो थीम क्या इस वर्ष की थीम है आपकी, एक भविष्य का निर्माण। और उपराष्ट्रपति जो आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके द्वारा उद्घाटन सत्र को क्या किया गया, संबोधित किया गया, यह बिंदु भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CII के बारे में, अर्थात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोलते हैं, यानी कि भारतीय उद्योग परिषद जिसको बोलते हैं, अगर इसके बारे में हम लोग कुछ एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसकी स्थापना दरअसल 1895 अर्थात 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष वर्तमान में संजीव पुरी हैं, और यह गैर सरकारी उद्योग आधारित क्या है, संगठन है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, बासमती चावल निर्यातक जीआरएम ओवरसीज ने किसे बासमती चावल और गेहूं के आटे के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है, वो कौन से व्यक्ति हैं, तो सलमान खान हैं, या अनुपम खेर हैं, या अनिल कपूर हैं, रोहित शर्मा हैं। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और उसके पहले बताइए कि आपका इनमें से फेवरेट व्यक्ति इसमें से आपका कौन है, ठीक है, यह भी जरा बताइए अगर बता पाए तो। खैर पहले इसका आप उत्तर बताइए कि क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सलमान खान को दरअसल इसका ब्रांड एंबेसडर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया। और व्याख्या में दरअसल यही पॉइंट आपके दिया गया है, कुछ खास ऐसा है नहीं, यानी कि जो जीआरएम ओवरसीज है, ठीक है, इसमें स्पेस कर लीजिएगा, ओवरसीज ने बासमती चावल और गेहूं के आटे के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर सलमान खान को नियुक्त किया है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 18 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसका उत्तर आपको जो है नहीं पता होगा, पता होना चाहिए, क्योंकि जल जीवन मिशन से सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि यह मिशन हर घर हर जो है क्या कहते हैं गांव में जो है ये पहुंच चुकी है, तो इसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। तो दरअसल इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2019 में जल जीवन मिशन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और अभी ये चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि इसने जो है अभी 2024 में अपने जो है शुरुआत के, यानी कि उद्घाटन जो उसके जब इसको लॉन्च किया गया था, तो वो अब ये 2024 में इसके 5 साल क्या हो गए हैं, पूरे हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए चर्चाओं में है ये। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, चर्चाओं में क्यों, क्योंकि जल जीवन मिशन की शुरुआत के 5 साल क्या हो गए हैं, पूरे होने के उपलक्ष्य में। जल जीवन मिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई, इसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन जो है क्या करना है, प्रदान करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में संशोधन करके उसकी जगह पर क्या किया गया था, जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, ये फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके नोडल मंत्रालय की बात करते हैं कि किस मंत्रालय की दरअसल ये योजना है, नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो है आपकी जल शक्ति मंत्रालय। और दरअसल जल जीवन मिशन बेसिकली क्या है, हर घर में स्वच्छ जल की उपस्थिति हो, अर्थात मिले सबको जो है स्वच्छ जल प्रदान हो सके मिले। और आपको पता होगा कि जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि क्या, कि ऐसे में जरूरी होता है कि हर व्यक्ति जो है जल का एक जो है अनुकूलतम प्रयोग करे, वाटर को वेस्ट ना करे, जल को क्या करे, वेस्ट ना करे। कई बार क्या होता है, जब आप रास्ते में जा रहे होते हो, नल की टंकी जो होती है खुली रहती है, पानी बहता रहता है, आप बाइक पर होते, पैदल होते निकल जाते हो, आप उसके आपको इतना समय नहीं रहता है कि आप उसके जो है टैप को बंद कर दो। ये आपके पढ़े लिखे होने का, मूर्ख होने का तबका देती है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि आप मूर्ख प्रवृत्ति के हैं।
कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी नल से जल गिर रहा है, अगर आपके घर में हो, चाहे कहीं बाहर जाते हो, कई बार बस स्टॉप रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा होता है, आप वहां के लोगों को जो भी अधिकारी होते हैं सूचित होते हैं कि आपके यहाँ वॉशरूम में पानी लीक कर रहा है, वाटर लीक कर रहा है, आप उसको सही कराइए, ना हो तो आप एप्लीकेशन दीजिए या भी जो भी शिकायत नंबर होते हैं उस पर दर्ज कराइए। कहीं रोड पर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं पर टैप से पानी गिर रहा है, उसको बंद करने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है और आपके शिक्षित होने का जो है एक प्रमाण देती है। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके पढ़ने लिखने का कोई जो है मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। आपसे बेहतर फिर एक गांव का एक ग्रामीण जो है जो व्यक्ति है वो आपसे ज्यादा समझदार होता है, वो जल को जल की एक बूंद भी टपकने नहीं देता है, ठीक है, आपसे ज्यादा समझदार वो है, ध्यान रखिएगा। और भाई साहब जो जल आप लोगों में यहाँ पर तो यूपी में और बाकी नॉर्मल स्टेट में तो ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ जल की उपस्थिति नहीं है भाई साहब बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है एक ड्रिंकिंग वाटर को एक गिलास पीने में के लिए, ठीक है, याद रखना। चलो नहीं तो सीवेज वाटर पियोगे ट्रीट करके थर्ड, ठीक है, पता है कि नहीं पता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं ना वो यही करते हैं एसटीपी प्लांट, ठीक है, वाटर को ट्रीट करके फिर ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर पीने के लिए देते हैं, बड़े शहरों में जाइएगा वही पीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की है, कौन सा देश है जिसके साथ में इसकी स्थापना की गई है, तो इजराइल है, डेनमार्क है, जापान है या फिर रूस है, तो ये बेसिकली आपका जो देश है वो जाएगा आपका डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की है, तो इसमें बेसिकली त्रिस्तरीय लोग हैं, यानी कि इसमें एक तो आपका क्या है आईआईटी बीएचयू भी शामिल है इस प्रोजेक्ट में, आईआईटी क्या आईआईटी बीएचयू और कौन शामिल है इसके अलावा, भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ क्या इंडिया और कौन है गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क क्या, यानी कि डेनमार्क भी इसमें क्या है शामिल है, तो ये जो है तीन लोग इसमें क्या हैं शामिल हैं, इसको आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, छोटी छोटी जो नदियां हैं उनके साथ जो वर्णा नदी है उसका पुनरुद्धार करना है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपके लिए क्या हो जाता है महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, पीवाईक्यूज का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है पर्यावरण प्रतिरक्षण होती अर्थात पर्यावरण के संरक्षण के लिए, या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में, या फिर आतंकवाद के प्रथम अभियान यानी कि आतंकवाद को रोकने के लिए, लिख दीजिए सॉरी आतंकवाद को रोकने का अभियान, ठीक है सॉरी, या जनसंख्या नियंत्रण के हेतु, दरअसल यह पुरस्कार दिया जाता है। बहुत आसान प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, कल भी हमने आपको परसों भी समझाया था कि आप लोग प्लीज कमेंट करिए जरूर क्या करिए, क्योंकि जो आप उत्तर देंगे हो सकता है वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, तो फिर चीजें वहां पर जो है अगर आप नहीं दिए रहेंगे उत्तर तो आप शायद हो सकता है भूल जाएं, लेकिन जब आप कोई चीज उत्तर उसका देते हैं तो आपको वो एक लंबे समय तक कुछ चीजें याद रहती है, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज आप लोग कमेंट जरूर क्या करें, और वीडियो भाई साहब प्लीज आप लोग शेयर कर दिया करें, छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप लोग जो है मेरा जो है मनोबल बढ़ाइए थोड़ा सा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आज आपके लिए मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न है। अच्छा यहां पर एक बात मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि यूपी पीसीएस वाले जो अभी 24 में यानी कि अक्टूबर में जो 27 को पीसीएस का प्री जो है अगर उन पर आपका फोकस है तो अभी आप मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग को होल्ड कर दीजिए, अभी मत लिखिए, लेकिन जिनका टारगेट क्या है आप 2025 का है 26 का है वो लोग प्रैक्टिस करते रहिए भाई साहब, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, एनी हाउ आएगा, तो उन प्रश्नों को नोट डाउन करते रहिए। हाँ अगर अक्टूबर में आपका जो प्रीलिम्स 27 अक्टूबर को है तो आप क्या करिए आप इस प्रश्नों को क्या करिए अपने जगह पर एक कॉपी में नोट करते रहिए एक बात, लेकिन जिनका टारगेट 2025 पीसीएस का है वो लोग क्या करिए वो लोग प्रैक्टिस को अपने क्या करिए रोकिए नहीं, वो लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। और 27 अक्टूबर को पीसीएस देने वाले सिर्फ और सिर्फ प्री पर आप डेडिकेटेड हो जाइए, और जो अभ्यर्थी आरओआरओ का एग्जाम दे रहे होंगे वो लोग अभी प्री प्लस मेंस को साथ में लेकर के चलिएगा, एसए की प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक।
तो प्रश्न क्या है मुख्य परीक्षा का हमारे सामने कि भारत के प्रमुख जो सामाजिक धार्मिक जो आंदोलनों के बारे में चर्चा करते हुए उनके परिणामों को बताइए, अर्थात भारत में जो प्रमुख सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं वो किस प्रकार के आंदोलन थे, यानी कि उसका क्या कुछ उसमें बातें सामने आई और उनका जो परिणाम निकला वो दरअसल परिणाम उसका क्या निकला, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। बहुत लंबा मत लिखिएगा, 200 शब्दों में आपको लिखना है, 200 वर्ड्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, 200 शब्दों में लिख दिया, सब मत लिख लीजिएगा, जो प्रमुख प्रमुख जो जो इंपॉर्टेंट जो धार्मिक सामाजिक जो आंदोलन हुए हैं उन्हीं के बारे में आपको लिखना है, बहुत डिटेल्स में आपको नहीं लिखना है। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एनवायरमेंट की क्लास पॉल्यूशन वाली अपलोड हो चुकी है, आप लोग प्लीज उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एक बात और, अभी रुक जाओ, फिर से मैं कह रहा हूं कि रिविजन के लिए टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। ये बात मैंने कई दिन कही थी, अब इसलिए मैं इस बात को दोहरा दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम आपका पीसीएस वालों को तो बिल्कुल अब आपके नजदीक आ गया, तो ऐसे में रिविजन के लिए टाइम फिक्स कर लीजिएगा। और इसके अलावा पूरे अगस्त माह का करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों को 3 या 4 सितंबर को मिल जाएगा, उसको आप लोग एक बार वहां से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।